खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। यूथ गेम हो, खेलो इंडिया गेम हो या नेशनल गेम हो, इसमें झारखंड के खिलाड़ियों का लगातार शानदार प्रदर्शन रहा है। और ऐसे ही कुछ खिलाड़ी और कोच जो कि हमारे राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हमेशा सुशोभित करते रहे हैं, उन्हीं में से कुछ खिलाड़ी को और कोच को हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं शिशिर महतो जी जो कि अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रशिक्षक हैं, साथ ही दीप्ति कुमारी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। तो दोनों का स्वागत है। शुरुआत दीप्ति से ही किया जाए। दीप्ति नई खिलाड़ी हैं, उभरती हुई खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। दीप्ति, आप कब से इस खेल से जुड़ी हैं और आर्चरी की ओर आपका रुझान कैसे हुआ? मैम, आर्चरी में तो हम 2013 में स्टार्ट किए हैं आर्चरी करना, और हम 7 क्लास में पढ़ते थे जब से हम आर्चरी स्टार्ट किए हैं। तो जो मेरे कोच हैं रोहित कोयरी, वो और शिशिर सर, प्रकाश सर, ये तीनों आए थे मेरे स्कूल में जो कि जोन्हा में, जोन्हा के हैं हम, तो जोन्हा में ही जो गवर्नमेंट स्कूल में है उसी में हम मतलब पढ़ाई किए हैं। तो 7 क्लास में थे उस टाइम पे सर लोग आए थे और मेरा सिलेक्शन लिए थे। उस टाइम पे मतलब ऐसा फिजिकल वगैरह देख के नहीं लिए थे, मेरा हाइट देख के लिए थे कि इसका हाइट ठीक है। तो आर्चरी में हाइट का बहुत ही मतलब अच्छा महत्व रहता है, तो मेरा हाइट ठीक है तो हाइट देख के लिए थे हमको सर। जी जी। तो फिर आए आर्चरी में, बताएं सर लोग, स्टार्टिंग तो हमको पता नहीं था कि आर्चरी होता क्या है। जी जी। लेकिन गए, जो ट्रेनिंग जो मतलब सिखाया गया उस चीज़ को किए, क्योंकि कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा था। पढ़ाई तो करते आए थे, खेल के बारे कुछ पता नहीं था। जी जी। तो 7 क्लास से आर्चरी स्टार्ट किए हैं और उसके बाद से मतलब लगातार अभी आर्चरी में हम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल शिशिर जी, आप लगातार आर्चरी से जुड़े हैं। झारखंड में जो आर्चरी का भविष्य है बहुत बढ़िया है, क्योंकि आमतौर पर यहाँ के कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, आप उस स्तर के प्रशिक्षक हैं। कैसा माहौल अभी के दिनों में नज़र आ रहा है पहले के मुकाबले? जब मैडम हमारे ज़माने में जो एक समय था, तो उस टाइम उतना स्पोर्ट्स का ये नहीं क्रेज नहीं था जी। लेकिन जब बच्चे अच्छे करते जाते हैं तो ऑटोमेटिक सबका ध्यान स्पोर्ट्स की ओर आकर्षित होते जाता है। और अभी जो फिलहाल है, जो अभी हम बोलना चाहेंगे, अभी जो हमारी खेल डायरेक्टर निदेशक महोदया हैं, उनके नेतृत्व में जब से वो कार्यभार संभाली हैं तब से कुछ कुछ नया एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले इंटर डे बोर्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन होटवार में किया गया था, जो बहुत से ऐसे खिलाड़ी प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन मंच नहीं मिल रहा है। हाँ, बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं उनको तो बहुत सारे मंच मिल रहा है, खेलो इंडिया है, यूथ गेम्स है, यूनिवर्सिटी गेम्स है, ऐसे बहुत से। लेकिन जो ग्रास रूट के खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म दे मिल रहा है। तो अभी अभी कुछ ही महीनों पहले डे बोर्डिंग और आवासीय सेंटर का टूर्नामेंट हुए, तो बच्चे बहुत अच्छा, राज्य भर से लगभग मेरे ख्याल से 2 से 3 हज़ार खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए। अच्छा। तो एक खेल महाकुंभ और एक ट्रेवल बच्चा जो गांव के बच्चा है उनको एक जागरूक हुआ कि हम अभी खेल हमारा और जिंदा है बोल के। बिल्कुल। उसके बाद अभी फिर अभी करेंटली अभी कुछ इवेंट्स चल ही रहे हैं, समर कैंप चल रहे हैं जितने भी आवासीय सेंटर है, कि एक गर्मी छुट्टी में बच्चों के एक साथ मिल के एक बहुत सारे एक्सपर्ट आ रहे हैं जो मोटिवेट कर रहे हैं खिलाड़ी को, इसका रिजल्ट आ रहा है। और अभी लगभग झारखंड राज्य में हर जिले में अभी स्पोर्ट्स एक फैलाव हुआ है। बिल्कुल। इसके लिए डायरेक्टर महोदय का ये सोच विचार जो है। जी हाँ, बहुत अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आए दिन ये पता चलता है, हम भी देखते हैं कि कई इवेंट्स हो रहे हैं, बच्चों के फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दिया जा रहा है। दीप्ति, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने कहा कि आप सरकारी स्कूल में थे, जोन्हा में थे, और उसके बाद जब से आपने आर्चरी शुरू की है, तो आपका ये जो है पड़ाव कैसे चलता गया, आप कहाँ कहाँ तक पहुँची हैं? मैम, हम तो मतलब गांव में ही स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, जो 1 से 8 क्लास तक है वो मिडिल स्कूल है, और इधर 9 से 10 है, जैसे कि मतलब उसी से हाई स्कूल है, तो उसी से हम पढ़ के निकले हैं। और अभी तक हम नेशनल में नेशनल खेले हैं, नेशनल चैंपियन रह चुके हैं सीनियर नेशनल में, और इंटरनेशनल खेले हैं, लेकिन इंटरनेशनल में अभी मेडल नहीं आया है, पहला इंटरनेशनल था। तो अभी जो इंटरनेशनल हम खेलने गए थे, कोलंबिया गए थे, वो जो स्टेज 4 हुआ था, तो उससे उसमें हम पार्टिसिपेट किए, और उससे पहले मेरा सिलेक्शन हुआ था 2020 में।
जूनियर एशिया कप के लिए सिलेक्शन हुआ था मेरा, लेकिन कोविड के कारण नहीं, टीम नहीं गया, तो हमको बहुत ही दुख लगा था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा पहला टूर था, अगर पहला इंटरनेशनल था, और हमको मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि अगर उस इंटरनेशनल में अगर हम जाएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, हमको अपने आप पे विश्वास था जी। लेकिन वो मलाल तो रहेगा जी, वो तो मेरे ऊपर में नहीं था, कोई बात नहीं है, फिर बहुत सारे मौके मिलेंगे। और खिलाड़ी के जीवन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो पहला टूर्नामेंट होता है, हालांकि मायूसी होती है, लेकिन भविष्य में बहुत सारे मौके मिलेंगे। शशि जी, जिस तरीके से दीप्ति ने भी कहा कि संघर्ष लंबा होता है इन खिलाड़ियों का, जब आप एक प्रशिक्षक होने के नाते मैं जानना चाहूँगी कि जब आप खिलाड़ियों को सेलेक्ट करके लाते हैं, किन किन बातों पर ध्यान देते हैं? क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे गांव देहात में जो कार्यक्रम देख रहे होंगे, अगर कोई भी बच्चे बच्चियां अगर इस फील्ड में रुचि रखते हैं तो उनको क्या अपने अंदर झांकना चाहिए ताकि वो भविष्य में आपसे या ऐसे संस्थाओं से जुड़ सके। मैडम, अभी दीप्ति नहीं बोली थी जी, कि जब हम लोग जोना सेंटर गए थे तो बोले थे कि मेरे को हाइट देख के मेरे को लिया गया जी। अभी स्पोर्ट्स में जैसे स्पोर्ट्स साइंस ये कहता है कि हाइट वाले को थोड़ा पोटेंशियल ज़्यादा होता है, अच्छा। इसलिए कि उसको उसका जो जैसे आर्चरी में हम कहना चाहेंगे, जैसे हमारा एरो का जो लेंथ होता है, जितने लेंथ बड़े होंगे उतने सटीक मतलब निशाना आ सकता है। इसलिए कि जब हम धनुष को खींचते हैं तो क्योंकि डिस्टेंस हमारा लॉन्ग डिस्टेंस होता है, अच्छा, तो ज़्यादातर आप जो हम लोग फोकस करते हैं कि थोड़ा हाइट रहे तो बच्चे का बेनिफिट, बॉडी फिजिक्स तो हम फिजिक हम लोग बना लेंगे जी जी, लेकिन हाइट उतने हमारे बस की बात नहीं होती है, क्योंकि बहुत सा ऐसा चीज़ है न्यूट्रिशन से रिलेटेड कि बॉडी में नहीं पाया जाता है, जैसे ट्राइबल बच्चों में बिल्कुल हाइट ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो मैं जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के माताओं से कहना चाहेंगे कि थोड़ा न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान दें, अच्छा, बच्चों को थोड़ा जी, बिल्कुल। जो उनका एक एज होता है जैसे 11 से 14 15 के समय हाइट बढ़ने का रहता है, तो उस टाइम थोड़ा अगर डाइट पे पौष्टिक भोजन अगर मिल जाए तो बच्चों का हाइट बढ़ेगा, और हाइट जब बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक कोई भी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है इसका। इसके अलावा बाकी ऐसा नहीं है कि हाइट वाला ही कर सकते हैं, बिल्कुल यही मैं जानना चाहती थी, कम हाइट वाले भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब परसेंटेज इस चीज देखा जाता है तो, और लेकिन जो आपका अचीवमेंट का तो मूल मंत्र एक ही है कि हार्ड वर्क, बिल्कुल बिल्कुल हार्ड वर्क रहेगा तो कोई भी उस चीज को अचीव कर सकता है, बिल्कुल। तो हार्ड वर्क रहेगा तो ये हो, मतलब हाइट के साथ हार्ड वर्क भी जरूरी है। और आपने सही कहा कि ग्रामीण इलाकों में पोषण की थोड़ी कमी होती है, तो पेरेंट्स भी ध्यान दें, और आजकल तो शिक्षा का अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है, तो इस जरिए जो है बच्चे भी समझें कि क्या फायदे की चीज है, ताकि अगर स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो। दीप्ति, एक बात बताइए, आपका माहौल अलग था, ग्रामीण परिवेश में थे, कैसा सपोर्ट रहा इस फील्ड में आने के लिए? क्योंकि एक लड़की होना, आर्चरी में आना और पेरेंट्स का सपोर्ट, ये सारी बातें थोड़ी मुश्किल होती हैं, आपके लिए कैसा रहा? मेरे लिए तो मैम स्टार्टिंग से ही बहुत ही मुश्किल रहा है। जब स्टार्टिंग मतलब हम गए आर्चरी में तो तब तक तो मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके मतलब उस टाइम जो स्कूल का ड्रेस होता था सूट, तो वही सूट पहन के ही ट्रेनिंग लेते थे हम जी। तो बाद में जब लोअर टी शर्ट पहनने लगे, जूता पहनने लगे, तो लोगों के माइंड में मतलब गलत विचार आने लगा कि लड़कों जैसा ड्रेस पहन रही है, पता नहीं क्या करती है, कहाँ जाती है। तो वो लोग जो है घर में जो मेरे मम्मी पापा है उन लोगों को नेगेटिव चीज मतलब बताने लगे। तो गाँव घर में तो अक्सर यही होता है कि जो अगल बगल का लोग बोल रहा है तो थोड़ा सुन लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि नहीं मेरा इज्जत डाउन हो रहा है या फिर जो भी। इस तरह से मम्मी लोग भी हमको मना की, घर से तो मतलब बोले तो 1% भी सपोर्ट नहीं था स्टार्टिंग में। अच्छा। मेरे मामा थे, हम नानी घर में रहते हैं, तो मेरे मामा थे, तो वो मतलब ऐसे ही क्रिकेट खेलते थे, जो गांव घर में क्रिकेट होता है, तो वो शायद मेरा मतलब एक होता है ना जो खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी का भावना को समझता है, तो मामा ही का जो सपोर्ट था थोड़ा बहुत वही, बाकी घर से सबके तरफ से ना था कि नहीं आर्चरी नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, तुम कुछ और कर लो, पढ़ाई कर लो, लेकिन आर्चरी नहीं जाना है, लड़कों जैसा ड्रेस नहीं पहनना है। फिर भी हम अपना जिद में रहे
हम मतलब झूठ बोल के जाते थे मम्मी को कि नहीं हमको ये काम है, हम दुकान जा रहे हैं या फिर जो भी हो, और हम प्रैक्टिस जाते थे। और धीरे धीरे करके मतलब मम्मी बहुत देरी तक हम घर नहीं आते थे तो बोलती थी इतना देर तक कहाँ है, तो मम्मी को शक हो जाता था तो चले जाते थे ग्राउंड, तो पकड़े जाते थे और ग्राउंड में डांट मार भी पड़ जाता था सबके सामने कि नहीं तुमको नहीं जाना है, नहीं करना, फिर भी आ जाती है। तो उतने लोगों के सामने मतलब मार खाना थोड़ा इंसल्ट टाइप का लगता है, फिर भी हम नहीं सुने आए। मम्मी बोलती थी, मम्मी बोली कि नहीं अगर आर्चरी जाएगी तो तुमको घर नहीं आना है। अच्छा। तो हम बोले ठीक है हम घर नहीं आएंगे, आर्चरी जाएंगे। फिर हम गए प्रैक्टिस उस दिन और रोड के सामने हम बैठे हुए थे तो घर नहीं गए। तो फिर मामा आए, मामा बोले कि घर क्यों नहीं जा रही है, रोड पे बैठी हुई है शाम के टाइम पे। तो हम बोले मम्मी मना की है। तो फिर वो बोले कि नहीं कुछ नहीं होगा चलो बोल के फिर लाए। बहुत मुश्किल है। हाँ बहुत मुश्किल है मैं खिलाड़ी बनना। और जब आप मेडल लेके आई थी, ये मुश्किल तो आपने बताई, जब मेडल लेके आई थी तब मम्मी पापा को कैसा लगा था? तब मम्मी पापा तो बहुत खुश थे कि मेडल लेके आई। उस बाद जो लोग मतलब बोलते थे कि गलत काम कर रही है, वही लोग बोलते थे कि नहीं दीप्ति नाम रोशन की हम लोगों का गांव का, क्योंकि हम लोगों का गाँव में मैम जोना फॉल है जी, तो उस फॉल के नाम से जोना को जाना जाता है जी, जी। लेकिन अभी आर्चरी के नाम से भी जोना को जाना जाता है कि नहीं जोना में आर्चरी होता है, बोलते हैं कि जोना मतलब बोलते हैं कि कहाँ से है जोना से, वही जोना से जहाँ मतलब आर्चरी होता है, ऐसे करके बोलते हैं। बहुत बड़ी बात है कि ये किसी खिलाड़ी के लिए बड़े फख्र की बात है। जैसे हम क्रिकेट की दुनिया में बात करते हैं तो माही का शहर बात करते हैं, वैसे ही दीप्ति का क्षेत्र है जोना, तो बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि कितनी कड़ी मशक्कत करते हैं शिशिर जी, बच्चे तो मशक्कत करते हैं और आपने भी बताया कि उनका लक्ष्य होता है कठिन परिश्रम, आप कितनी मशक्कत करते हैं बच्चों के साथ, आपके पास कितने बच्चे हैं? हमारे पास तो अभी सिल्ली में लगभग 60+ आर्चर्स प्रैक्टिस करते हैं, बाकी बहुत बच्चे आर्चर्स अभी जो अच्छे किए हैं कोई रेलवे में है, कोई पारा मिलिट्री में है, ऐसे जगह बहुत जगह है। जब स्टार्टिंग हम लोग आर्चरी का स्टार्ट किए थे सिल्ली में, तो पहले तो बच्चे से पहले तो गार्जियन को समझाना पड़ता था, बिल्कुल बिल्कुल, कि बच्चों को आप भेजिए स्पोर्ट्स में, इसमें एक लाइफ है, बहुत सा ऐसा उदाहरण चीज देना पड़ता था कि बच्चे अच्छा करेंगे तो बाहर जाना मिलेगा, और या तो फिर उसको ट्रेन का सफर करना पड़ेगा मिलेगा, फ्लाइट का सफर करना मिलेगा, ऐसे ऐसे गार्जियन को पहले समझाना पड़ता है। फिर जब धीरे धीरे, पहले तो ना होता है कोई भी चीज का, जब स्टार्टिंग करते हैं तो उसका तुरंत रिजल्ट उसका नहीं आता है, उसमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो हम लोग जब जो पहला बेस हम लोग स्टार्ट किए थे तो सेंटर में हमने 10 बच्चे लेके आए थे, जैसे कि हम टाटा में ट्रेनिंग करते थे, प्रकाश मेरे मित्र हैं, प्रकाश जी मिलकर आप लोग, हाँ हम लोग मिल के दोनों, वो रामगढ़ में प्रैक्टिस कराते थे एक, तो हम लोग जो वहाँ से अच्छा बच्चे होते थे, अच्छा। बच्चे जो ये कहते थे उनके गार्जियन के सहमति से हमने बच्चे को 10 ऐसे बच्चे को लेके हमने सिल्ली आया, अच्छा। ताकि इससे हमको थोड़ा कम मेहनत करना पड़ा जी, जी। कि गार्जियन को समझाना कि भाई बच्चे हमारे पास रह रहे हैं ऑलरेडी, हाँ, हैं हाँ। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भी अपना बच्चे को भेज सकते हैं, ऐसे करके हमने स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जब नेशनल इंटरनेशनल बच्चे गए तो बहुत से गार्जियन को लगा कि नहीं स्पोर्ट्स एक लाइफ बन सकता है जी, जी, जी। और उसमें हमको जो सबसे ज्यादा सपोर्ट का जो आवश्यकता था कि एक लोकल क्षेत्र में एक विश्वास जगाना बहुत जरूरी था, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारे अभिभावक जी जी बिल्कुल, हाँ। गार्जियन जो विधायक जी थे, बिल्कुल, वो स्थानीय लोगों का भी सपोर्ट बहुत जरूरी है। विधायक जी खुद एक खिलाड़ी थे जी, तो कभी कुछ छोटा बहुत अचीवमेंट आता था तो हमने हमेशा अपने सर के पास ले जाता था, उनसे मिलते थे तो प्रेस वगैरह में आता था, तो धीरे धीरे पब्लिसिटी हो गया। और आज का डेट में तो अभी 60+ आर्चर्स हमारे यहाँ डेली प्रैक्टिस करते हैं जो सिल्ली में, इसके अलावा भी जितने हमारा ब्रांचेस है, लगभग 8-9 ब्रांचेस है, जैसे अभी दीप्ति कुमारी ने बोला, हाँ, ये हमारा ही एक ब्रांच है जोना में, तो जहाँ से उभर के अभी आई हैं, और आज जोना फॉल के अलावा एक स्पोर्ट्स के क्षेत्र से भी जाना जाता है बिल्कुल। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुरु के लिए यही उपलब्धि की बात होती है कि उसका शिष्य कहाँ तक पहुँचता है, और शिष्य के साथ उसकी भी मान सम्मान बढ़ती है, उसका भी सिर ऊंचा होता है फख्र से। दीप्ति ये बताइए कि कौन कौन सी प्रतियोगिता में आप शामिल हुई हैं और कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? जहाँ नेशनल गेम्स के बारे में मुझे पता है पिछली बार, और
शायद टॉप्स की रैंकिंग में भी, जो इसने जो हमारी केंद्र सरकार का जो टॉप्स एक रैंकिंग है जिसमें अलग अलग खेल के लिए ओलंपिक को टारगेट करके, टारगेट ओलंपिक जो है वो उनका ये है, उनकी योजना है, उसके तहत भी आप चुनी गई हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। मैम अभी हम टॉप्स स्कीम में हैं, उससे मतलब बहुत ही अच्छा टॉप्स स्कीम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को इक्विपमेंट मिलता है, फिर मतलब उस टॉप्स के वजह से और भी अच्छा रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारा चीज़ है जो कि हम लोग खुद से मतलब नहीं ले सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जी। हम लोगों का इक्विपमेंट भी बहुत ही महंगा आता है जो कि हम लोग खुद से नहीं कर पाते हैं, तो टॉप्स स्कीम का मतलब धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग अच्छा करें, इंडिया का नाम रोशन करें। और अभी तक मतलब पेरा में आया है मेडल ओलंपिक में जी। लेकिन ऐसे नहीं आया है, तो टॉप्स स्कीम का मतलब चार आई कि नहीं, हम लोग का इंडिया में भी आए ओलंपिक मेडल जी, तो उसके लिए तैयारियां आपकी हो रही हैं। उसके लिए तैयारी हो बिल्कुल। पिछले नेशनल गेम्स में शायद आपने रजत पदक लिया था, और उसके बारे में भी थोड़ा बताएं, कितनी कठिन टक्कर थी क्योंकि पूरे देश के खिलाड़ी वहां इकट्ठा होते हैं, और आपका एक्सपीरियंस भी पहला या दूसरा था शायद, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था? मैम नेशनल गेम्स तो मतलब हम, मेरा आर्चरी किया हुआ 10 साल जुलाई में हो जाएगा जी, तो इन 10 साल में मेरा पहला वो नेशनल गेम्स था। इससे पहले भी नेशनल गेम्स क्वालिफाई कर चुके थे हम। अच्छा। इंडर राउंड से अभी रिकप चला रहे हैं हम, इंडर राउंड से क्वालिफाई कर चुके थे लेकिन नेशनल गेम्स हुआ नहीं। 2-3 बार मेरा क्वालिफाई मतलब हुआ था कि नहीं नेशनल गेम्स होगा लेकिन नहीं। अच्छा, हो पा रहा था, गया था जी। हाँ, टलता गया लेकिन इस बार हुआ और उसमें हम पार्टिसिपेट किए और उसमें सिल्वर मेडल भी आया मेरा। किस खिलाड़ी को, किस राज्य के खिलाड़ी को आपने हराया था, ऐसा याद है या कुछ? मैम हम लोगों का फाइनल था हरियाणा के साथ, तो हरियाणा को गोल्ड लगा था और हम लोगों को सिल्वर लगा था झारखंड टीम जी। बहुत खुशी की बात है कि आप नेशनल गेम्स के लिए, राज्य के लिए मेडल लेकर के आई हैं और लगातार अच्छा करती रही हैं। शिशिर जी, जब आपके बच्चे अच्छा करते हैं तो सरकार समय समय पर तो इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती ही है, आपकी संस्था या आप लोग जो करते हैं तो आप लोग क्या क्या करते हैं इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए? मैडम जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो बेस, अभी दीप्ति ने बताई कि जो बेस इंडियन राउंड से हम लोग स्टार्ट करते हैं जी, और जब इंडियन राउंड में अच्छे करते हैं तो उसके बाद फिर जो बच्चे गवर्नमेंट से के सेंटर में रहते हैं हाँ। उनको तो प्रोवाइड गवर्नमेंट द्वारा हो जाता है, सरकार द्वारा ये हो जाता है, लेकिन जो हमारे प्राइवेट संस्था जो बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी, उन बच्चों के लिए थोड़ा कठिनाई करना पड़ता है। और दीप्ति कुमारी ने बोला है, हम लोग ने कोशिश किए थे कि नेशनल गेम्स में पहले अब इंडियन राउंड से अच्छा कर लो तो कुछ गवर्नमेंट से हेल्प मिल जाएगा, कुछ अपने से और कुछ हमारे एकेडमी के मेंटर सुदेश जी के तरफ से ये करेंगे। लेकिन जब 2-3 बार टालता गया और फिर दीप्ति कुमारी गई सुदेश सर से मिलने के लिए कि सर अब तो नेशनल गेम्स आगे बढ़ते जा रहा है और मेरे को देश के लिए खेलना है जी। तो सर बोले, सर प्रकाश जी से बात किए कि क्या करना है, तो सर बोले सर इंडियन राउंड में तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, अभी तक तो 2 बार चैंपियन बन चुकी है, बहुत सारे पदक आया है जी जी। लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो मॉडर्न इक्विपमेंट का हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महंगे होते हैं। हाँ, बहुत महंगे होते हैं हाँ। लेकिन सर ने कभी मतलब मायूस होने नहीं देते बच्चों को जी जी। अगर जरूरत है तो एट ए टाइम फिर सर ने उपलब्ध कराए, और मेरे को लगता है कि 1 साल के अंदर दीप्ति कुमारी ने यूनिवर्सिटी खेली और उसी ईयर में आपका यूथ एशिया कप का ट्रायल था और टीम में शामिल हुई। बहुत बहुत एक्साइटेड फोन करके की थी कि सर मेरा हो गया, आप लोग हेल्प किए तो हमारा इंडियन टीम में हो गया। लेकिन दुर्भाग्य जी, ऊपर वाला की जब तक मर्जी नहीं होती है तब तक कोई बात नहीं है, ये इस बात से निराश नहीं होना है। इन्होंने कोविड के दौरान तो टूर्नामेंट कैंसिल हो गया, लेकिन इन्होंने अपना जिद नहीं छोड़ी जी जी।
तो उसके बाद जूनियर जब ये हो गया तो फिर सीनियर में, फिर सीनियर में इन्होंने स्टेज फोर जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें वो देश के लिए खेली, और मतलब जो पहले इंडिया लगना था वो थोड़ा लेट से लगा लेकिन लगा, और बहुत थैंक्सफुल है हम लोग भारत सरकार को इसलिए कि जब उसका परफॉर्मेंस सीनियर नेशनल में रिकब में इन्होंने जमशेदपुर में चैंपियन बना तो पूरी नजर देश भर की नजर दीप्ति के ऊपर गया, और इसको फिर OGQ का स्पॉन्सर आया, टॉप्स का स्पॉन्सर आया, और इसके पास अभी सुरेश सर ने एक धनुष दिया, अभी इसके पास तीन तीन धनुष है। बिल्कुल बिल्कुल, एक खिलाड़ी के लिए दीप्ति ये बताइए कि बहुत महंगे होते हैं धनुष, और जितना झारखंड में पोटेंशियल है लोगों के पास उतनी मुश्किलें होती है। अभी शायद आप कहीं नौकरी कर रही हैं, पहले भी शायद ITBP में थी, उसके बारे में भी बताएं। मैम हम अभी रेलवे में जॉब कर रहे हैं जी, और इससे पहले हम ITBP में जॉब करते थे। तो ITBP में मतलब जब हम जॉब पकड़े थे उस टाइम पे मेरा इंटर राउंड से ही हुआ था सिलेक्शन उसमें, तो हम तो सर को बोले थे कि हम नहीं जाएंगे मतलब उसमें, क्योंकि एक होता है ना कि दूसरे ग्राउंड पे जाएं और दूसरे कोच के साथ बॉन्डिंग नहीं बन पाता है जी जी। तो हम बोले सर को कि हम नहीं जाएंगे, और हमको मतलब इंटर राउंड से हम बस झारखंड के लिए खेल सकते थे और रिकप से हम अपना देश के लिए खेल सकते हैं, तो इसलिए हम बोल रहे थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे बोल के। तो हमको सर मतलब समझाएं कि नहीं पहला जॉब है तो मत छोड़ो, हाँ मत छोड़ो, बाकी जॉब का पकड़ो, और बाकी अगर मेहनत करेगी तो आगे तुम बढ़ेगी बोल के। तो फिर हम ITBP का जॉब लिए गए, उसके बाद में वहाँ पे मेहनत किए तो रिकब हम वहाँ जाने के बाद चलाएं, और उसके बाद मेरा रिजल्ट अच्छा होते गया तो फिर इधर रेलवे से मतलब वैकेंसी निकला था तो फिर हम इधर अप्लाई किए, तो मेरा इधर रेलवे में हो गया है अभी हटिया में। तो रेलवे तो आपको काफी वक्त देता है प्रैक्टिस हाँ, करने का, ये सुविधाएं हैं। हाँ मैम जी, रेलवे काफी वक्त देता है। अभी भी हम मतलब अभी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, अभी हम छुट्टी पे ही हैं, प्रैक्टिस के लिए हमको छोड़ा गया है अभी दिसंबर तक। भविष्य की क्या योजना है दीप्ति? ओलंपिक तो हमें पता है, लेकिन आप क्या सोचती हैं भविष्य के लिए, आपने क्या प्लानिंग की है गेम के? हाँ बिल्कुल, गेम के संदर्भ में। व्यक्तिगत जीवन अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आप एक खिलाड़ी के रूप में यहाँ इंट्रोड्यूस हो रही हैं तो गेम में आप कहाँ तक जाना चाहती हैं? क्योंकि भारत के लिए खेलना, जैसा कि शिशिर जी ने भी बताया कि आपका लक्ष्य था कि इंडियन राउंड से बेटर रिकव में जाना है, भारत के लिए खेलना है, तो गेम में आप कहाँ तक जाना चाहती हैं, देश के लिए क्या करना चाहती हैं? मैम अभी तक तो नेशनल में मेरा काफ़ी सारा मतलब 40+ मेडल है नेशनल में, और इंटरनेशनल पहला इंटरनेशनल मतलब हुआ है मेरा, और जिसमें कि मेडल नहीं आया, लेकिन अगला टारगेट है मेरा कि अभी हम जो भी मतलब ओलंपिक तो है ही, ओलंपिक के लिए तो तैयारी कर ही रहे हैं जी, बाकी जो भी इंटरनेशनल होगा तो मेरा टारगेट यही है कि इंटरनेशनल हम खेले और इंटरनेशनल में हम मेडल लें। बिल्कुल, और अब तो आप टॉप्स की सीरीज में भी हैं तो सरकार की ओर से भी आपको सुविधाएं मिल रही हैं, तो इसका बेनिफिट हम आने वाले दिनों में देखेंगे जी मैम। बिल्कुल, शिशिर आपको क्या लगता है कि आपके जितने बच्चे हैं, हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन आपके जितने स्टूडेंट हैं क्या पोटेंशियल नज़र आता है, कहाँ तक जा सकते हैं वो बच्चे? देखिए मैडम, बच्चों में तो पोटेंशियल उसके अंदर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो बस तरसना पड़ता है और तरसने में हम लोग लगे हुए हैं, तो कह नहीं सकते कौन बच्चे कहाँ तक जाएगा जी, लेकिन लगे हैं। अभी अभी तक हमारा लगभग 12 इंटरनेशनल प्लेयर हमारे एकेडमी से निकल चुके हैं जी। जब से जो सबसे बड़ा अचीवमेंट अभी तक जो पूरा राज्य और देश को गौरवान्वित किया था, एशियन गेम्स का पदक मधुमिता जी के द्वारा हमारे एकेडमी को आया था और पूरे राज्य को आया था। बाकी अभी हमारा टारगेट है ओलंपिक में, अभी हमारा हाल ही में आज ही का दिन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो जूनियर के एशिया कप हो रहा सिंगापुर में, बच्चे गए हैं, और ऐसे हम आशा उम्मीद करते हैं कि बच्चे वहाँ अच्छा करके आए। बिल्कुल, बाकी अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें बच्चों का सिलेक्शन है, और हम तो अपना पूरा 100% देंगे कि देश के लिए पदक जीते बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार से क्या उम्मीदें हैं एक प्रशिक्षक होने के नाते?
सरकार तो खिलाड़ी के लिए कर ही रही है और आगे भी करेंगे। अभी हमारे डायरेक्टर महोदय बहुत ही सेल्फ इंटरेस्ट लगा के एक से एक योजना ला रही हैं, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे अभी लगातार अभी समर कैंप चल रहा है जी, जी। बाकी जब भी हम लोग से बात होती है सिर्फ स्पोर्ट्स को कैसे डेवलप करेंगे उसके लिए जी। अभी मेंटल ट्रेनर बहुत अच्छे बुलाए हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, डेली सुबह शाम प्रोग्राम चल रहे हैं, फिजिकल से लेके दोपहर को थ्योरी क्लास, फिर इवनिंग में प्रैक्टिकल्स वगैरह सब चीज हो रहा है। और जब भी बात होते हैं तो सिर्फ स्पोर्ट्स को कैसे बड़ा करें, बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद है कि अच्छा बहुत अच्छा करेंगे बिल्कुल डिपार्टमेंट भी बिल्कुल। हम सब भी उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही दीप्ति जैसी और भी खिलाड़ी और दीप्ति भी लगातार राज्य का नाम रोशन करे, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए दीप्ति आगे बढ़े। आपके प्रशिक्षक भी आपके साथ हैं और इन सब का सहयोग है, तो ये कामना होगी कि आप दोनों भविष्य में और आगे बढ़ें और स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी बातचीत की, लोगों को अवेयर किया, विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो बालक बालिकाएँ हैं उन्हें। तो आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।